मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं, उस काम में लगा हूं, उस काम में लगा हूं। क्योंकि वही बैठना है दो दो घंटे, तो कुछ टाइम तो पास करना ही पड़ेगा। अब जरा आगे बढ़ता हूं, जिनको पेट साफ नहीं होता उनको क्या क्या होता है। दुनिया की 103 बीमारियां उन्हीं को होती है, क्योंकि आयुर्वेद ये कहता है कि अगर आपकी आंतें साफ नहीं है, लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन, बड़ी और छोटी आंत साफ नहीं है, तो बीमारियों का केंद्र आपके घर में ही है। और 90% बीमारियां आपको मालूम है कब्जियत से शुरू होती हैं, कॉन्स्टिपेशन से शुरू होती है। हमारे देश में सभी बड़े चिकित्सक और वैद्य कहते हैं कि जिनका पेट साफ नहीं हुआ उनको कुछ भी बीमारी आएगी संधिवात हो जाएगा, डायबिटीज हो जाएगी, कॉन्स्टिपेशन तो रहने वाला है, मुंह में से भयंकर बदबू आएगी, दांत आपके खराब हो जाएंगे, सांस में इतनी तेज बदबू होगी कि पड़ोसी बैठ नहीं पाएगा आपके पास, रात को नींद नहीं आएगी, भूख समय से नहीं लगेगी, भूख ठीक से नहीं लगेगी, शरीर में कमजोरी आती जाएगी, ऐसी 103 बीमारियां एक साथ आएगी। अब उनको चूंकि कॉन्स्टिपेशन बहुत है तो ये सब बीमारियां उनको होती है, तो अब उसका इलाज क्या करते हैं वो? जब पेट साफ नहीं होगा तो सांस की बदबू भयंकर होगी। अब उस सांस की बदबू को रोकने के लिए वो दिन भर टूथपेस्ट रगड़ते हैं, और टूथपेस्ट अकेले से सांस की बदबू नहीं रुकती है, तो उसके बाद माउथ फ्रेशनर स्प्रे करते रहते। यूरोप में एक माउथ फ्रेशनर दिखता है, लिस्ट्रीन, बिना नागा माने बिना एक दिन छोड़े हुए, दिन में तीन तीन चार चार बार वो लिस्ट्रीन का स्प्रे करते हैं बदबू को रोकने के लिए, पेट साफ नहीं कर पाते अपना, लिस्ट्रीन स्प्रे करते रहते। अब हम हिंदुस्तानी भी उनकी नकल करके लिस्ट्रीन अपने घर में ले आए और हमने स्प्रे करना शुरू कर दिया, तो अपना ही सर्वनाश। दूसरा उनकी एक और समस्या है कि अगर पेट साफ नहीं होगा तो पसीने की भी बदबू बहुत आएगी, और पसीने में से बदबू आएगी तो उस बदबू को कंट्रोल करने के लिए वो पता है क्या करते हैं? वो डिओडरेंट स्प्रे करते हैं, सेंट स्प्रे करते हैं, डिओडरेंट स्प्रे करते हैं, क्योंकि पसीने से बदबू आ रही है। लेकिन वो अंदर की जो कमी है वो दूर नहीं कर पा रहे। अब हम उनकी नकल करके अपने घर में डिओडरेंट स्प्रे करने लगे और उनकी नकल करके सेंट स्प्रे करने लगे तो हमको चर्म रोग जरूर हो जाएगा, स्किन डिसीज जरूर हो जाएगी। और आपको छोटी छोटी कुछ बातें बताता हूं। जिनको पेट साफ नहीं होता उनके बाल बहुत कड़क होते हैं, ये आप अपने घर में भी देख लो कभी, अगर आपको पेट साफ नहीं हुआ बाल आपके कड़क हो जाएंगे। जिनको पेट साफ नहीं होगा उनके बाल कड़क हैं, बाल कड़क हैं तो उनको सॉफ्ट बनाने के लिए शैम्पू लगाते रहते हैं, और शैम्पू से भी सॉफ्ट नहीं होता तो कंडीशनर उसमें अप्लाई करते रहते हैं। ये उनकी समस्या है, परेशानी है, कोई फैशन नहीं है, क्योंकि यूरोप के 99% लोगों को कब्जियत है, माताओं को, बहनों को, पुरुषों को, तो बाल इतने कड़े हैं छू के देखो तो कांटे जैसे लगते हैं, तो उन बालों को सॉफ्ट बनाना है तो कोई ना कोई कंडीशनर लगाना ही पड़ेगा। कंडीशनर 6 घंटे से ज्यादा काम नहीं करता तो हर 6 घंटे में कंडीशनर लगाते रहते। फिर उन्होंने एक नया कुछ ढूंढा है आजकल, वो ये कहते हैं कि ये कंडीशनर 6 घंटे काम करे और उसके आगे 6 घंटे कुछ और काम करे, तो क्रीम लगाते रहते हैं बालों में, हेयर क्रीम आती है ना, ताकि वो सॉफ्ट रहें। तेल नहीं लगाते क्योंकि तेल होता ही नहीं उन देशों में, लगाएं क्या, ना सरसों होती है, ना तिल होता है, ना मूंगफली होती है, ना कुछ और होता है, ले दे के एक ही चीज होती है सोयाबीन, सो उसका तेल अच्छा नहीं माना जाता। तो वो बिल क्रीम लगाएंगे या हेयर क्रीम लगाएंगे, कंडीशनर लगाएंगे, शैम्पू लगाएंगे, क्योंकि बाल बहुत ही कड़क हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, उनकी नकल अंधाधुंध करके अपने अपने बालों में थोप रहे हैं शैम्पू, हेयर कंडीशनर और पता नहीं क्या क्या, तो अंतिम परिणाम यह है कि बाल के गुच्छे टूट रहे हैं। बस कम से कम ऐसी हजारों माताएं मैंने आती है जो कहती है राजीव भाई बाल टूटते हैं कुछ दवा बताओ, मैं कहता हूं शैम्पू और कंडीशनर बंद कर दो, तो वो तो बंद नहीं कर सकते, तो मैं कहता हूं माफ करो मैं आपका इलाज नहीं कर सकता, क्योंकि आप हेयर कंडीशनर शैम्पू लगाते रहो बाल तोड़ने का तो वो कहानी है, फिर आप मेरी दवा खाओ उससे कुछ होने वाला नहीं। और जिनके शरीर में बहुत ज्यादा कॉन्स्टिपेशन होगा, कब्जियत होगी, उनकी त्वचा भी बहुत कड़क रहती है, रफ रहती है, और स्किन चूंकि रफ रहती है तो कोई ना कोई उनको कोल्ड क्रीम चाहिए जो स्किन को सॉफ्ट बनाए, तो इसलिए वो कोल्ड क्रीम लगाते रहते।
लेकिन वो भी थोड़े ही समय काम करती है, 6-8 घंटे से ज्यादा कोई कोल्ड क्रीम भी काम नहीं करती स्किन पे, तो हर 6-8 घंटे के बाद वो कोल्ड क्रीम पोतते रहते हैं। और सबसे ज्यादा तकलीफ कहां आती है, जिनको बहुत कॉन्स्टिपेशन होता है उनके होंठ बहुत कड़क रहते हैं, एकदम रफ सूखे सूखे, तो उस होठों की सुखावट को छुपाने के लिए लिपस्टिक लगाते रहते हैं। हम बिना सोचे समझे अपने देश में उसको अपने मुंह पे थोपते रहते हैं। पता नहीं कितनी लिपस्टिक तो हम खाने के साथ खा जाते हैं, क्योंकि आप कितना भी बचा के खाएं वो तो जाने ही वाली है। तो देखिए एक अंधभक्ति या बिना सोचे समझे की गई नकल कितने तकलीफ का कारण बनती है इस देश में। अब वो जो कुछ भी करते हैं यूरोप और अमेरिका वाले, वो अपनी ठंड से बचाव के लिए करते हैं, जितना कर पाते हैं कर पाते हैं। अब उनके यहां ठंड बहुत है तो कपड़े भी ऐसे ही पहनने पड़ेंगे, टाई लगानी पड़ेगी, 3-piece सूट पहनना पड़ेगा। और आप देखेंगे ना महिलाएं वो ऊपर तक के स्लीव्स पहनती हैं, मोजे पहनती हैं, क्योंकि उनको ठंड से बचना है। अब हम भी उनकी नकल करके भारत में पहनना शुरू करते हैं। आजकल ये नकल दिल्ली बंबई कलकत्ता में बहुत शुरू हुई है। हर चीज में बिना सोचे समझे हम उनकी नकल करें, और अब ये नकल इस खतरनाक स्तर पर पहुंच गई है कि ठंड वाले देशों की मजबूरियों को हमने प्रतिष्ठा का तंत्र बना लिया, स्टेटस सिंबल बना लिया। हमारे घर में पिज्जा आ रहा है तो स्टेटस सिंबल है, बर्गर खा रहे हैं तो स्टेटस सिंबल है, चाउमीन खा रहे हैं बच्चों को खिला रहे हैं स्टेटस सिंबल है, नूडल्स खा रहे हैं बच्चों को खिला रहे हैं स्टेटस सिंबल है। और कई घरों में तो ये नियम बन गया है कि संडे को तो ये होना ही चाहिए, संडे को माने चाउमीन तो आनी ही चाहिए, बर्गर तो आना ही चाहिए, पिज्जा तो आना ही चाहिए, ये तो आना ही चाहिए, और ये घर में नहीं आ सकता तो होटल में जाके खाना चाहिए। अब उनकी मजबूरियों को हमने जो स्टेटस सिंबल बनाया तो और तकलीफ कर रहा है। तो हमारी सारी की सारी बीमारियों की जो जड़ है ना, वो ये आधी अधूरी समझ से विदेशियों की गई नकल जो हमें सफल नहीं होने देती। कॉस्मेटिक्स वो सब इस्तेमाल करते हैं क्योंकि उनको स्किन बचा के रखनी है। एक तो अंदर से कॉन्स्टिपेशन के कारण रफनेस है, दूसरी बाहर की ठंड है, बर्फ है, और उस बर्फ के कारण और ज्यादा रफनेस है, तो दोनों मिलाकर उनके यहां तो तकलीफ हो जाती है। इसलिए अपनी स्किन को बचाए रखने के लिए बार बार कुछ लोशन लगाना, बार बार कुछ कॉस्मेटिक्स यूज करना, सौंदर्य प्रसाधन, वो उनकी मजबूरी है।